तुम दोनों की इज्जत तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगी साथ। देखियो मैं आयजा की साइड नहीं ले रहा, अब बस तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मामला औलाद का हो जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही कॉम्प्रोमाइज करो। तुझे रब्ता करना चाहिए था यार, इतनी बड़ी खबर सुनकर भी तू ऐसे ही बैठा रहा, क्या महसूस कर रही होगी वो? तुझे अपनी औलाद की भी कोई परवाह नहीं? मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो माम को हॉस्पिटल से आए कितने दिन हो गए, फिर आप तक क्या फोन किया, आई मिली, कुछ किया उसने? उससे जुड़ी कोई भी रिश्ते से उसकी उसको परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? तुम दोनों की इज्जत तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगी साथ। देखियो मैं आयजा की साइड नहीं ले रहा, अब बस तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मामला औलाद का हो जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही कॉम्प्रोमाइज करो, मर्द को भी कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि औलाद तो दोनों की जिम्मेदारी होती है ना यार। आई थिंक तुझे जाना चाहिए उसके पास और तुम दोनों की जो भी इख्तलाफात है ना उन्हें खत्म करना होगा, वरना इसका असर तुम्हारी औलाद पर होगा। तुम दोनों ऐसा नहीं चाहोगे। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।